दोस्तों वो समय दूर नहीं है कि जब दो देशों के बीच एंटी सैटेलाइट मिसाइल के जरिए अंतरिक्ष में भयंकर युद्ध होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारत का सबसे पहला एंटी सैटेलाइट मिसाइल के बारे में, जिसे ओडिशा के अब्दुल कलाम आइलैंड में 2019 27 मार्च को सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया था। इस टेस्टिंग में DRDO के वैज्ञानिकों ने 300 किलोमीटर दूर लोअर अर्थ ऑर्बिट में उपस्थित लाओ नामक एक सैटेलाइट को मार गिराया था और इस टेस्टिंग को मिशन शक्ति का नाम दिया गया। मैं आपको बता दूं, रशिया, चाइना और अमेरिका के बाद भारत ऐसा चौथा देश बन चुका है जिसके पास एंटी सैटेलाइट वेपन मौजूद है। DRDO के द्वारा एंटी सैटेलाइट मिशन के टेस्टिंग के बाद सबसे ज्यादा झटका पाकिस्तान और चाइना को लगा है, क्योंकि किसी वार के दौरान भारत अपने एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स को उपयोग कर देता है तो उस देश की कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।